परशुराम जी ने विष्णु जी का जो धनुष है वह भगवान को चढ़ाने के लिए कहा और वह स्वयं ही धनुष भगवान के पास पहुंच गया। इससे परशुराम जी को ये बात समझ में आ गई कि यह राम जी विष्णु के ही अवतार है, भगवान का अवतार अब हो चुका है और अब मेरा जो कार्य था वो पूर्ण हो गया। दोनों ही अवतार है, राम भी और परशुराम भी, दोनों का कार्य एक ही है, धर्म की स्थापना और जो अधर्मी राजा लोग हैं उनका नाश करना। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी भूमिका अभी समाप्त हो गई, अब आप इस भार को लीजिए। और परशुराम जी वहां से निकल पड़े हैं। उस संवाद में हमने देखा कि परशुराम जी एक अभिमानी व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वे स्वयं तो भगवत अवतार हैं, लेकिन व्यक्ति को जब अभिमान आता है तो उसका हाल क्या कहते हैं, बोलचाल, चाल ढाल, उसमें जो एक तरह का एक एरोगेंस आ जाता है, एक उग्रता आ जाती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से परशुराम जी ने वो लीला की। अब कहते हैं जब परशुराम जी वहां से चले हैं, सब लोगों ने जय जयकार की है और अब धनुष भंग हो चुका है, सीता जी ने जयमाल पहना दी है, तो विवाह तय हो गया है। लेकिन अब जब तक दूल्हे का परिवार न हो, केवल दूल्हा होने से तो शादी में कोई रौनक नहीं, मजा नहीं, और घर के लोगों को तो सूचना देनी चाहिए ना, माता पिता को, दूसरे भाइयों को। तो यहां पर दूत भेजे हैं, जनक जी के दूत जो है अयोध्या में जाके ये सूचना देते हैं। तो ये वर्णन आता है 286 के बाद, क्योंकि अभी बारात के लिए तो बाराती चाहिए, परिवार के लोग चाहिए, बारातियों को मालूम ही नहीं है अवध के लोगों को कि इधर सब ये घटना घट चुकी है। तो अब यहाँ पे 286 के बाद देखिए ये दूत चलते हैं। दूत अवधपुर पठव भुजाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राउ कही भले उ कृपाला, पठए दूत बोली ते काला, बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबनि सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगरु सवारु चारु पासा, हरषि चले निज गृह आए, हरषि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचु पाई, पठए बोली गुनीति नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदिति न की नारंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। दूतों को पठाए, भेजाए, बोले जाइए अवधपुर में और दशरथ जी को बुला के लेके आइए। अब राजा ने जब ये आदेश दिया तो उनके दूत चलते हैं और सूचना देने जाते हैं। अब पहले के ज़माने में तो कोई फ़ोन नहीं था कि फ़ोन कर दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, आ जाइए, खुद जाते हैं। और देखिए जब से राम जी गए हैं तब से कोई सूचना ही नहीं है,
तो पहली बार दशरथ जी को सूचना मिलने वाली है, और ये बड़ी अच्छी सूचना मिलने वाली है। नहीं तो विश्वामित्र जी जिस दिन से ले गए हैं उसके बाद कोई खबर ही नहीं है। तो दूत जो है वो चलते हैं, फिर सभी महाजनों को बुलाया है, महाजन जनक जी ने, और कहा कि आप जो है पूरे नगर को सजाइए, रास्ते, घर, देवालय, मंदिर, सब का जो है वो सब दूर सजावट कीजिए। अनेक कारीगर बुलाए गए जो मंडप बनाने में कुशल थे, तो मंडप बनाने की तैयारी शुरू हो गई, और सब लोगों ने ब्रह्मा जी की वंदना की और फिर बनाना शुरू किया, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो जगत के कर्ता है। इतना सुंदर जगत उन्होंने बनाया है, जिसको जिसकी आवश्यकता है उसको सब यहाँ मिलता है, अद्भुत रचना है। हमको प्रकाश की जरूरत है, वायु की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सब मिला हुआ है फ्री में। पृथ्वी में इतना अन्न छिपा हुआ है कि बताइए, इतने हजारों वर्षों से हम खा रहे हैं लेकिन उसमें अन्न अन्य उत्पन्न करने की सामर्थ्य खत्म नहीं होती। सृष्टि को देखेंगे तो अपने आप ही हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाएगा कि ये कोई सामान्य कारीगरी नहीं है, सामान्य कोई रचना नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है विश्वकर्मा, एक विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सब लोग जो है, जो कारीगर लोग हैं वो सब अपना काम करने लगे। उसके बाद कहते हैं पूरे नगर में जो है सजावट होने लगी। इधर 289 के बाद पहुँचे दूत रामपुर पावन। ये जो दूत लोग हैं ये भगवान में, भगवान के नगर में रामपुर, देखो नाम दिया रामपुर, जैसे हनुमान चालीसा में कहा रघुवरपुर जाई, है ना, रघुवरपुर जाई, जो राम जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी के गुणगान गाते हैं, हनुमान चालीसा में आता है। तो रामपुर यहाँ लिखा, रघुवरपुर, अयोध्या वहाँ पहुँचे हैं, और अयोध्या नगरी को देखकर चमत्कृत हो गए, आश्चर्यचकित, वाह कितनी पावन नगरी, पवित्र नगरी, सात मोक्षदायिनी नगरी में अयोध्या का नाम पहला ही है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो अयोध्या का एक नाम अवध भी है, जहाँ पे वध न हो वो है अवध, जहाँ युद्ध न हो वो है अयोध्या। अपने अंतकरण में यदि युद्ध न हो तो यही राम जी अवतरित हो जाए। हाँ, खेलति मम हृदये श्री रामा, शांति विदेह सुता सहचारी, दहर अयोध्या नगर विहारी। अपना हृदय ही अयोध्या है, और हृदय में जो शांति है वही वैदेही है, जनक कन्या, विदेह राज की कन्या जानकी, और अंदर ही राग द्वेष, यही असुर है, राग द्वेष असुर मारी, महासुर मारी। रावण ही मोह है, मोह दस मोली तद भ्रात अहंकार, कुंभकर्ण अहंकार है। और जो मेघनाथ है, रावण का लड़का, रावण का पुत्र, वो कौन है, तो बोले काम, काम पाकार ही जात। तो एक अपने जीवन में भी रामायण घटती है। लंका क्या है, तो बोले जो प्रवृत्ति है, गलत ढंग से जो प्रवृत्ति हो रही है वही लंका है। लंका में सोना चांदी वैभव सब कुछ है, लेकिन वो सब दुष्कर्म से कमाया हुआ है, ऐसी प्रवृत्ति जो पाप युक्त है। तो अपने जीवन में भी ये जो प्रवृत्ति है यही लंका है, बोले इसको जलाना चाहिए। जलाने के लिए कौन चाहिए, हनुमान जी चाहिए।
लंका है प्रवृत्ति या भोग की नगरी, और जलाने के लिए वैराग्य चाहिए। हनुमान जी विरक्त है, वैराग्य की मूर्ति है, वही लंका दहन कर सकते हैं। तो खैर, यहां पे इस तरह अयोध्या में पहुंचे हैं और भूप द्वार तिन रखबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। सेवकों ने दशरथ जी को आज्ञा दी है, सूचना दी है कि दूत आए हैं मिथिला से और वो कोई चिट्ठी लेके आए हैं, पत्र लेके आए हैं। देखो, एक पत्र में एक अलग ही आनंद होता है, पत्र की प्राप्ति। अब आजकल तो सब वो पत्र खत्म ही हो गए हैं, हैंड रिटर्न पत्र, उसमें एक अलग ही भाव आता है। ये जो टेक्स्ट भेजते रहते हैं मैसेज, उसमें वो भाव नहीं आता जो हाथ से लिखा हुआ, प्रेम से लिखा हुआ जो पत्र है। तो कहते हैं वो जो पत्र दूत जो है लेके आए हैं और उन्होंने दशरथ जी के सेवकों को दिया, दशरथ जी ने तुरंत ही उसको अपने हाथ में लिया है। 289 के बाद तीसरी चौपाई देखिए। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आपूटिलीनी, बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी जाती, राम लखनोर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी, पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हरषि सभा बात सुनियाची, हरषि सभा बात सुनि साची, खेलत रहे तहां सुनि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहां ते पति आई। प्रणाम करके वो सेवकों ने पाती, पाती मतलब पत्र दिया है दशरथ जी। एकदम सेवकों के हाथ से वो पत्र ले लेते हैं और वो चिट्ठी, यहां लिखा है चिट्ठी, चिट्ठी मतलब चिट्ठी। तो उस पत्र को बांचने लगे, मतलब पढ़ने लगे, और जैसे उस पत्र में जो लिखा था, हाँ, खुशखबरी, उसको देखकर तो पुलक गात, उनके उनका शरीर पुलकित होने लगा, छाती जो है वो प्रेम से भर आई, और बार बार उस पत्र को हृदय से लगाते हैं, दोनों आंखों से अश्रुधारा बह चली है। अब हुआ है कि जो लोग देख रहे थे उनको समझ में आ नहीं रहा है कि ये क्या बात है। ये चिट्ठी में कोई खुशखबरी है या दुख की खबरी, क्योंकि अश्रु आ रहे हैं। तो अब ये अश्रु जब बहुत सुख होता है तब भी आते हैं और दुख होता है तब भी आते हैं, तो ये सुख के आंसू है कि दुख के आंसू है। रहे गए कहत न खाटी मीठी, खट्टी मीठी क्या है, खट्टी खबर है कि मीठी खबर है। कहते हैं भगवान ने ये दो आंखें दी है तो क्यों, बोले एक से सुख के आंसू बरसे और एक के क्या है दुख के आंसू, इसलिए दो आंखें हैं। लेकिन यहां पर तो दुख की तो कोई बात ही नहीं है, आनंदाश्रु है, आनंदाश्रु, और जो है बहुत ही वो रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए। उसी समय भरत और शत्रुघ्न वो वहीं कहीं खेल रहे थे, कहते हैं उनको भी जब समाचार मिला कि कोई पत्र आया है और दशरथ जी तो बिल्कुल रो रहे हैं, तो एकदम भाग के आते हैं और पूछते हैं सब सकुशल तो है, सब ठीक तो है।
तब पिताजी ने, दशरथ जी ने फिर से वो चिट्ठी पढ़ी। आहा, और जब दोनों भाइयों ने मैटर सुना, ये जो लिखा हुआ था जो खबर, तो वो जो है सुन के आनंद से ये भी हर्षित हो गए। ये देखो जो पत्र है ना, एक एक से किसी ने पूछा कि जीवन में सुख दुख देने वाला कौन है, तो उत्तर दिया गया पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है ना वो सुख दुख देता है, पत्र देता है, तो कोई अच्छी खबर वाले भी पत्र होते हैं और बुरी खबर वाले भी होते हैं। सुख दुख देने वाला कौन पोस्टमैन? अच्छा, वो खुद कैसा है, अलिप्त है, उसको मतलब नहीं क्या है, वो केवल क्या है, कुरियर है, कुरियर मैन है। दूतों की भूमिका यही है। अब कहते हैं जब ऐसा आनंद इनको होने लगा, विशेष सुख पाया, और राजा ने उन दूतों को पास में बैठाया, बोले वाह तुमने बहुत ही बढ़िया खबर दी है, लेकिन जरा बताओ मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं, ठीक ठाक तो हैं, उनकी तबीयत ठीक है, हाल चाल कुशल तो है। श्यामल गौर धरे धनु माता, एक सावला रंग का है, गोरे रंग का है, क्या तुमने उनको देखा है, क्या तुम उनसे मिले हो, तो उनको पहचानते हो? ऐसा दशरथ जी बिल्कुल प्रेम से पूछने लगे। उनको तो ऐसा लग रहा है मानो ये दूत मतलब उनके पुत्र ही है, इतना प्यार उनके भीतर आ गया है। और कहने लगे, अरे जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुध पाई। जिस दिन से विश्वामित्र ऋषि हमारे दोनों बच्चों को ले गए, आज मुझको खबर मिली है। अब आजकल तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, हर क्षण क्षण में हम भेजते रहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। और केवल मैसेज नहीं, लोग तो अब वीडियो भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, छींक भी आती है तो उसका भी वीडियो, छींक आई आज। छोटी छोटी चीज को इतना ज़्यादा, तो उसमें जो एक सस्पेंस वगैरह जो चीज पहले की होती थी वो रही नहीं गई। सरप्राइज सरप्राइज, कहीं से हम निकलते हैं, कई बार जाते हैं ज्ञान के लिए, तो जहाँ से निकलते हैं फोन शुरू हो जाता है, बस निकल गए हैं, फिर अब आधे रास्ते पहुँच गए हैं, फिर अब 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। लेकिन गुरु जी अच्छा कहते हैं, बोले क्यों बार बार कर रहे हो, दे शुड बी रेडी टू वेलकम। तो इतना आजकल संवाद फास्ट है, कम्युनिकेशन संचार। लेकिन पहले तो देखिए इतने दिन हो गए, दशरथ जी को पता ही नहीं है। अब कहते हैं कि बताओ महाराज जनक ने हमारे दोनों पुत्रों को कैसे पहचाना, कैसे जाना कि ये राम है या लक्ष्मण है? वो दूत कहने लगे, महाराज ये दोनों तो विश्व के भूषण हैं, आपके जो दोनों पुत्र हैं वो पूछने योग्य नहीं है कि वो कैसे हैं कहाँ हैं, वो तो पुरुष सिंह हैं, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले हैं, और जिनके आगे सूर्य जो है उसकी चमक फीकी हो जाती है, सूर्य शीतल हो जाता है, जिनके आगे चंद्रमा जो है वो मलिन हो जाता है, वो तो एक चंद्र है वो कहाँ आकाश में छिपा बैठा है, क्यों? बोले ये पृथ्वी पे रामचंद्र जो है ना, कहीं कहीं ऐसी उत्प्रेक्षा की गई कि ये चंद्रमा ऊपर आकाश में क्यों चला गया, बोले वो शर्मा रहा है कि हमसे ज्यादा सुंदर ये रामचंद्र है, तो अब मुझको तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए उड़ के कहाँ चला गया, वो आकाश में छिप गया बादलों के पीछे। तो बोले जिनके यश से ये जो चंद्रमा है इसका यश भी फीका पड़ जाता है। अच्छा, और बोले सूर्य को यदि देखना है तो क्या दीपक की जरूरत है क्या, वो तो अपने प्रताप को स्वयं ही प्रकट कर देता है, पहचानने के लिए कोई खोजना नहीं पड़ता कि जरा देखते हैं सूर्य का उदय हुआ है कि नहीं, बोले किसे टॉर्च दो, किसी ने कहा जरा एक मोमबत्ती दो, देखता हूँ मैं सूर्य का उदय हुआ है कि नहीं।
सूर्य के पहचान के लिए किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है। मतलब ऐसे ही ये आपके पुत्र है तो उनको तो पहचानने के लिए कोई भी प्रयास की जरूरत नहीं है। अच्छा दशरथ जी कहते हैं जरा और सब बताओ, ये क्या हुआ, अचानक कैसे ये विवाह की खबर आ गई? विश्वामित्री के साथ तो हमने क्यों भेजा था उनको कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, ये विवाह की तो कोई बात ही नहीं थी, ये कहां से हो गया? तो वो जो दूत लोग हैं वो सारा सुनाते हैं 291 के बाद, वो सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ। तो देखो यहाँ वर्णन है, शंभुसरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर वरियारा, तीन लोक महजे भटमानी, सबके सकति शंभु धनुभानी, सकै उठाए सुरासुर मेरु, सोई सोई ही हारी गया करि फेरु, जय कौतुक शिव सैलु उठावा, सोई थे सभा पराभव पावा। कहते हैं आपको सुनाते हैं सारा वृत्तांत, क्या क्या घटना घटी उधर मिथिला में। तो कहते हैं ये विश्वामित्री ऋषि ही उनको वहां लेके आए, वैसे तो उनको कोई इनविटेशन दिया नहीं था, अनइनवाइटेड गेस्ट थे। विश्वामित्र जी लेके आए, देखो विश्वामित्र जी के मन में आया कि इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की, असुरों को मारा, और आश्रम के आसपास बड़ा सुंदर वातावरण उन्होंने बना दिया, तो बोले अब इनको कुछ गिफ्ट तो देना चाहिए ना, भेंट, इतना कोई बढ़िया काम किया है तो क्या कहते हैं थैंक यू बोलते हैं हम, धन्यवाद। तो बोले केवल थैंक यू बोलने से तो काम चलेगा नहीं, इतना बड़ा काम किया है तो बोले चलो इनका हम विवाह ही करा देते हैं, यही मानो कि इनके लिए क्या है, उपहार है। तो विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं चलो एक और यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपको चलना है, और उस यज्ञ का नाम उन्होंने दिया था धनुष यज्ञ। राम जी ने कहा ये कौन सा यज्ञ होता है, क्या धनुष की आहुति उसमें डाली जाती है? बोले आप चलिए तो सही, और विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार वो चले हैं। तो यहां पर कहते हैं विश्वामित्र जी उनको लेके आए, और जनक जी की कन्या है जानकी जी, वो तो आदि शक्ति है। तो जनक जी ने एक प्रतिज्ञा रखी थी, की थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरे मेरी कन्या के साथ विवाह करेगा। हो दशरथ जी ने कहा अच्छा तो फिर किसने तोड़ा, कैसे हुआ? तो कहा शंभु सरासन काहू नटारा, क्या बताएं आपको, वो शिव जी का धनुष तोड़ने की तो बात दूर, कोई हटा भी नहीं सका, और जिसने थोड़ा सा हटाया वो वहां से गिर गया, बीमार हो गया, किसी के पैर टूट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी की कमर लचक गई, फिर एम्बुलेंस थी वहां पे उसमें बिठा बिठा के हॉस्पिटल में भेजा गया, हाँ जनकपुर एम्बुलेंस उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो ऐसी तो सारे राजाओं की दुर्गति हुई, और क्या बताएं, वहां पे बाणासुर भी आया था जो सुमेरु को उठा सकता था, वो भी कुछ नहीं कर पाया, और रावण भी वहां आया था, कौन सा रावण, जिसने खेल खेल में जही कौतुक शिव धनु उठावा, शिव शैल उठावा, जिसने खेल खेल में ही क्या उठाया था, कैलाश पर्वत, उसको इतना अभिमान था अपना बल दिखाने के लिए उसने कैलाश पर्वत उठाया था। कैलाश पर्वत जब उठाया, शिवजी पार्वती जी बैठे हैं, उनका आसन डगमगाने लगा, पार्वती जी कहने लगी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भूकंप आया क्या? बोले भूकंप नहीं आया है, हमारा चेला आया है, हमारा चेला आता है तो भूकंप ही आ जाता है, ये रावण शिवजी का ही चेला है, अद्भुत चेला है, अपने गुरु के आसन को ही डगमगा देता है, हिला देता है।
तो शिव जी कहते हैं बस ये आता है तो ऐसे ही गड़बड़ सब करता है, धाम धाम, क्योंकि चलते भी है ना तो धाम धाम करते हैं। वहां आता है वर्णन कि चलत दशानन डोलत अवनी, रावण चलता था तो पृथ्वी जो है कांपने लगती थी। तो बोले ऐसा ये रावण, ये भी कुछ नहीं कर पाया, ये भी चुपचाप से उठा। कोई संत लोग मजाक करते हैं, वॉशरूम के बहाने उठा, बोले मैं अभी जरा आता हूं, और फिर आया ही नहीं, रिटर्न गायब हो गया, भाग गया वहां से। ऐसा ये रावण है। तो बोले इस तरह इतना वो शिव धनुष बड़ा कठिन था उठाने में तोड़ने में, लेकिन तहां राम रघुवंश मनी सुनिए महामहिपाल भंज उचाप प्रयास बिनु। बोले लेकिन तुम्हारे सुपुत्र ने बिना प्रयास के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी जो है कमल की डंडी को तोड़ जाता है। कितनी कोमल होती है, और वो हाथी इतना विशाल, उसको कोई प्रयास लगता है क्या? जोर लगा के हई आओ कहते ना, कोई बड़ा काम करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, सब लोग मिल के कुछ बोलते हैं। लेकिन यहां तो क्या है, कब उन्होंने उठाया, तोड़ा, टुकड़े फेंक दिए, किसी को एक क्षण में हो गया। ओ उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद एक जबरदस्त घटना हुई, परशुराम जी वहां पधारे, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, उन्होंने क्या लिखा है, बड़ी आंखें दिखाई। तो दशरथ जी डर गए, बोले कहीं कुछ श्राप वगैरह तो नहीं दिया ना हमारे पुत्र को? बोले नहीं, लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा उनको छेड़ा जरूर था, श्राप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे थे, वो कभी कभी फरसा भी दिखाते थे, लेकिन फिर राम जी ने बात संभाल ली, बड़े विनम्रता से परशुराम जी का दिल जीत लिया। और वो एक विष्णु धनुष लाए थे, कहा इसको चढ़ाओ, इसको जरा धारण करो, तब वो अपने आप चला गया। उसके बाद परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए, और फिर जनक जी भी बड़े खुश हुए, क्योंकि जनक जी बहुत परेशान थे, कोई धनुष तोड़ नहीं पा रहा है। अच्छा धनुष तो टूट गया, अब ये परशुराम जी जो है ये राम जी पे बड़े नाराज है, तो विवाह होगा कि नहीं, ठीक, कोई बाधा तो नहीं आएगी? लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया तो बोले तब ये जनक जी ने ये पत्र हमको दिया और आपके पास हम लेके आए। इस तरह जब सारा वृत्तांत सुनाया दशरथ जी को तो बहुत ही प्रसन्न हुए, और वो कहने लगे जरा इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, कुछ बढ़िया इनको नाश्ता पानी कराइए। तब वो देखो दूत एकदम अपने कान पे ऐसा हाथ रखते हैं और कहते महाराज नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको। देखो आज भी ऐसी परंपरा है कि जिस घर में अपनी लड़की को ब्याह जाता है उस घर का पानी पीते नहीं है, हाँ, ससुर वाले लोग पूरे पूरे गांव में नहीं पीते, कई कई बार तो ऐसा है। तो यहां पर कहने लगे नहीं, आपके तो पुत्र को ने हमारे मिथिला के जमाई है, तो आपके घर हम नहीं कुछ खाएंगे, ये शिष्टाचार है, इतना आदर है, देखो ये भाव है इसमें। और मतलब आपसे मिल लिए, ये खबर दे दी, हमारा मन प्रसन्न हो गया। ऐसा कह के वो वहां से चलते हैं। और अब यहां पर कहते हैं कि वशिष्ठ जी को दशरथ जी अब सुनाते हैं, है ना, दशरथ जी ने सुना दूत से, दशरथ जी सुनाते हैं वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी इतनी बढ़िया टिप्पणी करते हैं सुनने लायक है 293 के बाद। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्म सील पहि जाहि सुभाए, तुम गुरवे प्रधेनु सुर सेवी,
तसि पुनीत कौसल्या देवी सुकृति तुम समान जग माही भयउ न है कोई होने उनाही तुमते अधिक पुण्य बड़ काके राजन राम सरिस सुत जाके वीर विनीत धर्म व्रत धारी गुण सागर वर बालक चारी तुम कहु सर्व काल कल्याणा सजउ बरात बजाई निशाना चलहु बेगी सुनि गुरु वचन भले नाथ सिर नाई भूपति गवने भवन तव दूतन वासुदेवाई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। दशरथ जी ने गुरु जी को जाकर ये समाचार सुनाया वशिष्ठ जी को हो और कहते हैं अत्यंत सुख पाए। दशरथ जी तो सुखी थे ही हुए ही थे, वशिष्ठ जी भी एक खबर सुन के गदगद हो गए और देखो यहां तारीफ करने लगे, स्तुति करने लगे। किसकी? राम जी की नहीं, दशरथ जी की। वशिष्ठ जी कहने लगे पुण्य पुरुष कहु मही सुख चाही, ये तुमको इतना बड़ा सुख मिल रहा है इसका कारण है तुम्हारे पुण्य। जिसके बैलेंस में अकाउंट में पुण्य है बोले उसके जीवन में तो सुख ही सुख है, सुख छा जाता है, स्वयं सुख उसके पास चल के आता है। और यह बहुत ही अच्छी उपमा दी, जैसे समुद्र के पास सरिता जो है नदी खुद दौड़ दौड़ के आती है, यद्यपि सागर में कोई कामना नहीं है, भरा पूरा है वो आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठा समुद्र माप प्रविशंति अद्भुत। समुद्र तो भरा हुआ है लबालब, उसको कोई कामना नहीं है। देखो जिसका अंतकरण अधूरा होता है, छोटा होता है, उसी में कामना आती है। तो ये समुद्र को उपमा दी गई, एक ऐसा हृदय जहां पर कोई कामना नहीं, भरा हुआ है आनंद से, वहां पर बताइए नदियां जो है आ आके पानी डालती है। तो ऐसे ही पुण्यात्मा के पास सुख चल चल के आता है। पुण्यात्मा को अपने पुण्य कर्म से ही प्रसन्नता है। गुरुदेव कहा करते थे कर्म इट्सेल्फ इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। डोंट थिंक कि अभी मैं कर्म कर रहा हूं फिर वो 10 साल बाद उसका फल आएगा तब मुझको सुख मिलेगा। बोले जो अच्छे कर्म होते हैं ना कर्म काल में ही सुख देते हैं, फल काल में तो देते ही है, क्रिया काल में करते वक्त ही सुख देते हैं। और पाप कर्म ठीक उल्टे हैं, करते समय ही डराते हैं, भयभीत होते हैं हम जब पाप कर्म करते, और बाद में तो फिर ताप संताप पश्चाताप सब है ही। तो यहां पे बहुत सुंदर ये बात लिखी है कि यदि तुम्हारे पास ये खुशखबरी आई है तो ये तुम्हारे पुण्य का प्रताप है। देखो सुख, अखंडानंद जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले बताओ तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो दुख को लाने के लिए तुम कुछ प्रयत्न करते हो क्या, बुलाने के लिए कुछ योजना बनाते हो क्या? हाँ कुछ करते हो? बोले नहीं नहीं, बल्कि उसको रोकने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं, तन मन धन लगा देते हैं ताकि वो दुख पहुंचे नहीं अपने पास, है ना। जो दवा दारू हम करते हैं, दवाई है और क्या नाते रिश्ते वाले सब लोग हैं, मित्र लोग हैं, उन सब के मदद से जो भी संकट आने वाला है
उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये दुख ऐसा है, सारा सिस्टम, सारा सिक्योरिटी जो भी हमने लगाई हुई है उसको तोड़ फोड़ के वो सीधे पहुंचता ही है। चाहे आपके कितने बड़े कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे आपके पास कितना ही धन हो, कितनी बड़ी जमीन जायदाद हो, राजा महाराजा हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, वो दुख तो सबको एक तरफ करके पहुंचता ही है कि नहीं? बोले ठीक, ऐसे ही जब दुख पहुंच सकता है तो सुख क्यों नहीं पहुंचेगा। बहुत ही सुंदर। दुश्मन लोग षड्यंत्र करते हैं, कुछ प्रयत्न करते हैं कि इनके पास सुख न पहुंचे, लेकिन सुख पहुंचता है उस कर्ता के पास। बोले ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म में इतनी ताकत है कि जब उसका फल आता है तो रुके रुकता नहीं, वो सीधे पहुंचता ही है। उसके ऊपर इस व्यक्ति का अधिकार है, हक है, हक बोलते ना। और इसका उल्टा भी कर लीजिए, पाप कर्म किए हैं तो कितना ही प्रयत्न करो वो आके दुख देता ही है, दुख पहुंचता ही है, उसको भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी तू करे वैसी भरनी होए। कर्म सिद्धांत बड़ा पावरफुल है। तो यहां वशिष्ठ जी पूरा सुना देते हैं। बोले तिमि सुख संपत्ति बिनई बुलाई, धर्मशील पही जाई सुभाए। बुलाए सुभाए, बिना बुलाए वो सुख संपत्ति पहुंची जाती है, क्योंकि सुकृत है। बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणुनी विठ्ठली आवड़ी। मराठी में कहते हैं, संत लोग कहते हैं, बोले हमको ये भगवान अच्छे क्यों लग रहे हैं? उसका कारण है सुकृत। पुण्य कर्म होंगे तो अपने आप भगवान के प्रति प्रिय होगा। तो कहते हैं यदि जीवन में सुख लाना है, परिस्थिति को सुंदर बनाना है, तो उसकी चाबी क्या है? चाबी है पुण्य कर्म। देखिए ऐसा है, हम लोग जो है ना बाहर की चीज को खूब बदलने का प्रयत्न करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन जिस चीज को बदलना है उसको नहीं बदलते। घर बदल रहे हैं, मित्र बदल रहे हैं, संबंधी बदल रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं, कार बदल रहे हैं, बंगला बदल रहे हैं, लेकिन दुख जहां के तहां है। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं बदल रहे हैं। जो हमारा बोलने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, संक्षेप में कर्म करने का तरीका जो है वो नहीं बदल रहे हैं। तो ऊपर से हम कितना ही बदले, जिसके कारण सुख मिलता है, बोले वो तो है पुण्य। तो यहां पर देखो वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम तो पुण्य की मूर्ति हो, सुकृति तुम समान जगना माही, भयउ न है को हो नेहु नाही। बहुत ही सुंदर कहते हैं, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा तो इस जगत में न हुआ है, न है, न होगा। देखो तुम्हारे पुण्य का प्रताप है कि जो जगन नियंता जगदीश्वर तुम्हारे आंगन में खेल रहा है, कौशल्या के गोद। तो जो जगत का शासक है उसको शासित बना लेना, बताइए ना, पुत्र तो शासित होता है माता पिता के द्वारा। तो इतना ये बड़ी बड़ी घटना घटी है, तो ये महाराज ये कर्म का ही प्रताप है। इसे लिखा है ना, चार पदार्थ है यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बोले चारों पदार्थ इस जगत में है, सब कोई उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि कुछ करोगे ही नहीं
कर्महीन नर पावत नाही। चार पदार्थ कौन से हैं? लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, मिठाई, ये नहीं। चार पदार्थ है, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों मिल सकते हैं, हर व्यक्ति को मिल सकते हैं। भगवान कोई पक्षपात नहीं कर करते कि इसी को मिलना चाहिए। विशिष्ट आयु वाला, विशिष्ट जाति वाला, विशिष्ट संप्रदाय वाला, ऐसा नहीं। एक ही शर्त है, कर्म। कर्महीन यदि हो तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्म जो है उसका फल मिलता ही है, इसलिए ऐसा लिखा है कि आप ईश्वर को मानो या न मानो, ध्यान से सुनना, ईश्वर को मानो या न मानो, कर्म को जरूर मानो। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ईश्वर माफ कर देता है, कर्म माफ नहीं करता। ठीक है ना, भगवान का तो स्वभाव है, चलो माफ कर देगा। वो कहते हैं ना, ही गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड वी गेट एंड फॉरगेट। भगवान देता भी है और क्षमा भी करता है, और हम लेते भी है और उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन ये कर्म जो है भूलता नहीं। कर्म जो है वो उसका फल जरूर हो के रह जाओ, वो व्यक्ति कहीं भी छिपा बैठा हो। यमराज की कथा है ना, एक व्यक्ति जो है उसको मालूम पड़ा कि उसकी मौत आने वाली है, वो जो है फटाफट जल्दी जो है तैयारी की, उसने फ्लाइट पकड़ी और कहां पहुंच गया, वो हिमालय में पहुंच गया, गुफा में। बोले अब देखे मौत कैसे आती है। गुफा के सामने यमराज खड़े थे। यमराज बोले, मैं यही चिंता कर रहा था कि तुम्हारी मौत तो यहां पर है और तुम उस गांव में हो, किसको मैं भेजू बुलाने के लिए, देखो तुम खुद ही आ गए। तो कहते ना, मौत जो है वो किसी को छोड़ती नहीं। फल जहां भी मिलना है, मौत मतलब फल है, मृत्यु। सारा इंतजाम बेकार हो जाता है। तो अच्छा कर्म है तो बोले बढ़िया परिस्थिति मिलेगी, कौन रोक सकता है। दूसरा व्यक्ति चाहे ईर्ष्या करे, द्वेष करे, बट इसके पास तो वो पूंजी है, उससे उसको मिला है। वो कहता है तुमको पाना है तो तुम भी यही करो। तो यहां कहते हैं, तुमते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुमसे और बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा, राम जी जैसे पुत्र तुम्हारे, भगवान जो है तुम्हारे पुत्र हुए। और ये केवल राम ही नहीं, बाकी तीन पुत्र भी तो महाराज इतने सद्गुणी हैं कि पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि है। जब सद्गुरु ने, वशिष्ठ जी ने ऐसे बढ़िया वचन दशरथ जी को कहे, दशरथ जी अपने आप को धन्य समझते, बोले मैं तो धन्य हो गया भाई, गुरु की प्रसन्नता हो, गुरु यदि स्तुति करे तब इससे बढ़िया और क्या है, गुरु के आशीर्वाद मिले। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, अब जो है क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उसके पहले यहां कहते हैं, दूतों ने देखिए दशरथ जी को सुनाया, दशरथ जी ने भरत और शत्रुघ्न को सुनाया, फिर दशरथ जी ने अपने गुरु जी को यह सूचना दी। अब इसके बाद माता जी लोगों को भी तो सूचना देनी चाहिए ना, ये खुशखबरी। तो कहते हैं, जनक पत्रिका बाची सुनाई, वहां पर भी फिर जनक जी की जो पत्रिका आई है, पत्र आया है, सारे रानियों को सुनाया। और रानियां तो इसी भाव विभोर हो गई, वो बार बार कहते हमको पत्र दो, हमको पत्र दो। सब लोगों खुद को वो पत्र पढ़ने की क्या है, इच्छा है। जैसे अपने मोबाइल पे भी कोई वीडियो आता है, कोई मैसेज आता है, सब लोग उसको लेना चाहते, दिखाओ जरा हमको, दिखाओ जरा। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ और सारी रानी प्रफुल्लित हो गई। और ये ऐसी प्रफुल्लित हो रही है जैसे बादलों की गरज सुनकर मोरनिया प्रफुल्लित होती थी। कैसा बढ़िया उपमान, ये दशरथ जी की वाणी या जो वो पत्र है वो बादल की गर्जना है, मोरनी जो है वो खुश होती है। इसलिए ते ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, परस्पर एक दूसरे को पत्र देती है, हृदय से लगाकर
अपने छाती को शीतल करती है। और उसके बाद क्या हुआ, तो बोले रानियों ने सारे ब्राह्मणों को, पुरोहितों को बुलाया है और कह सारा इनको क्या करो, दान दो। सारे खजाने खोल दिए गए। जांच के लिए हंकार दिनी निछावर कोटि विधि, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। ऐसे वो सारे ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग जय जयकार करने लगे। और दशरथ जी ने कहा कि अब सारे नगर में भी ये खबर फैला दो। और सारे नगर में जो है, यहाँ लिखते समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। पूरे अवध में ये खबर फैल गई और पूरे अवध में क्या बधाई हो होने लगी। अब बताइए, विवाह तो एक राजा के लड़के का था, लेकिन पूरे अयोध्या में सब लोगों को लग रहा है कि हमारे घर ही विवाह है। सब लोग अपने घर को सजाने लगे। अरे भाई, विवाह तो उनका है ना। बोले नहीं, राम जी केवल दशरथ जी के ही नहीं है, उस समष्टि के है। ध्यान से सुनना, उस समष्टि के लिए आए हैं, केवल प्राइवेट, केवल स्पेशल दशरथ जी के लिए नहीं है। तो हमको भी पूरा अधिकार है उस आनंद में, उस उत्सव में शामिल होने का। यही है भगवान की भगवत्ता, सर्वात्म भाव। भगवान सबसे एक रूप है, तो भगवान का विवाह हो रहा है तो सबको आनंद है। देखो, जिसके साथ जिसका तादात्म्य होता है उस पर प्रभाव होता है कि नहीं। माता पिता का तादात्म्य पुत्र में है, तो पुत्र यदि खुश है तो माता पिता खुश है। वो यदि बीमार है तो ये भी दुखी होते हैं, क्योंकि तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन, वननेस। तो सारे के सारे अयोध्या के लोग भगवान से एक रूप हुए हुए हैं। तो वो सब भी क्या करने लगे, तैयारी करने लगे। और पूरे अयोध्या में कहते आनंद छा गया, ध्वज पताक पट चामर, अलग अलग ढंग से घर को सजाने लगे। अब कहते हैं दशरथ जी ने कहा कि अब पूरी बारात जो है वो सजाइए, और अब हम कहाँ चलेंगे, मिथिला में। तो अब जो है रथ घोड़े ये सब तैयार होने लगे, क्योंकि अब दूर की यात्रा है अयोध्या से मिथिला। तो सब लोग जो है बारात की तैयारी करते हैं। अब जो है वो हम देखेंगे आगे, हम लोग भी तैयारी करें अब विवाह की। तो अगले बुधवार को राम जी का विवाह हुआ। सब लोग अच्छे वस्त्र पहनी होते हैं, सज धज के बैठी, मानसिक रूप से हम लोगों को उस विवाह में क्या होना है, शामिल होना है। तो आइए आज हम यहीं रुकते हैं। जय बोलो सीताराम की आनंद में आनंद में, जय बोलो सीताराम की आनंद में 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 जय बोलो सीताराम की आनंद में आनंद में जय बोलो सीताराम की आनंद में 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 आनंद कंद भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।